ब्लॉग में आज मैं आप लोगों को साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टडी रूटीन विद टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी डे वन से लेकर डे सेवन। अब आप लोग बोलेंगे भाई डे वन क्या है और डे सेवन क्या है। डे वन यानी पेपर वन, डे टू यानी पेपर टू, डे सेवन यानी पेपर सेवन। ये वीडियो क्लास इंटर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि मैं इसमें क्लास इंटर के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर साइड पर आपको क्लास इंटर का टाइम टेबल शो हो रहा होगा और ये टाइम टेबल में हम देखेंगे कि कौन सा पेपर फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। तो सब फर्स्ट पेपर जो है वो हमारा इंग्लिश का है, तो आज हम लोग डे वन में इंग्लिश ही की बात करेंगे। मैं आप लोगों को अपनी स्टडी रूटीन भी दिखाऊंगी और आप लोगों को टिप्स भी दूंगी, ट्रिक्स भी दूंगी, और आप लोगों को ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी कि आप लोगों के इंग्लिश के पेपर में 80 अबव मार्क्स आ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 80 अबव मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश के पेपर में सिर्फ ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पर पीने वाली हूँ अपनी टी, मिंट टी, हम जिसे कहते हैं। उसके बाद मैं बुक्स लेकर आ गई हूँ, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले मैं ये मिंट टी जो है ये पीने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो भी समर में। ये आपके माइंड को रिफ़्रेश करती है, आपको रिफ़्रेश करती है, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको इस मिंट टी बनाने की रेसिपी देखनी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इस रेसिपी बनाने की लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मेरी मानिए, जब आप पेपर देने जाएं, जब आप पेपर देकर वापस आएं, जब भी आपको टाइम मिले तो आप इस टी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आपके माइंड को हमेशा रिफ़्रेश करेगी। आप लोगों ने बस क्या करना है कि जब भी आप लोग पेपर देने जाएं तब आपने इसको पी लेना है, नाश्ते के बाद पी लेना है। अगर सुबह का पेपर, अगर दोपहर का पेपर, तो खाने के बाद आपने इसको पी लेना है, आप फुल टाइम रिफ़्रेश रहेंगे। हमने पेपर से पहले इसको एक बार ज़रूर पी लें। जल्दी से मैं इसको पी के ख़त्म करती हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी टी जो है वो स्टडी रूटीन में शामिल। यहाँ पर मैंने अपनी मेन टी को ख़त्म कर दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया पी के। तो चलिए अब जल्दी से स्टडीज़ करते हैं और टिप्स भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी टी ख़त्म कर ली थी और अब मैं पढ़ने बैठ गई। सो ये है मेरी नोटबुक, ये है मेरा पेन, ये है मेरी इंग्लिश की क्लास 12 की बुक और ये है मेरे अनसॉल्व पेपर्स जिसकी मदद से मैं इंग्लिश की तैयारी करने वाली हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम इंग्लिश के चैप्टर्स की। तो इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ये रहा यहाँ पर इसका टाइम को इंडेक्स बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स। अब आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे 10 की प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन करनी, और वो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस अनसॉल्व की बुक में से देखकर निकाले हैं। अगर आपने ये जो मैं बता रही हूँ इन वाले टॉपिक्स की तैयारी कर ली तो आपका इंग्लिश का 80% पेपर सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी आपके इंग्लिश के पेपर में 80% मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंग्लिश के चैप्टर्स की, तो जो फोर्थ चैप्टर है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारा चैप्टर यही है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम। आई थिंक ये उल्टा आ रहा है बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर साइड में आप लोगों को दे दूँगी है वो उसकी पिक्चर। तो 20 मिनट्स विद मिस कैंडम जो है इस पर आप टिक कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस इंग्लिश के पेपर में ज़रूर आते हैं। उसके बाद
हमारा सेकंड चैप्टर रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट, ये वाला चैप्टर ये भी आप इस पर टिक कर लें। इसके भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज़रूर आते हैं। उसके बाद जो है हम थर्ड चैप्टर को अभी फिलहाल के लिए थोड़ा स्किप कर दें, उसके बाद आ जाएं फोर्थ चैप्टर के ऊपर, पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी इम्पॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर की समरी भी आ सकती है, तो आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स विद समरी याद करने हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ चैप्टर है एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, इसके भी समरी इम्पॉर्टेंट है। इसके भी आप क्वेश्चन आंसर करें, बट इसे क्वेश्चन आंसर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी समरी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें सिक्स चैप्टर की, द वर्ल्ड एज आई सी इट, इस वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर आप लोग करें, बट इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसकी भी समरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अपने पास पेन रखें, इंग्लिश की बुक खोलें और जो मैं आपको वो बता रही हूँ आप टिक करते रहें और उसके ऊपर समरी, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ टिक कर करके समरी समरी जो भी आप भी इस पर लिख लें। उसके बाद जो सेवन चैप्टर्स को भी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। उसके बाद जो हमारा एट चैप्टर है स्पेसशिप, इस स्पेसशिप वन, इसके क्वेश्चन आंसर छोड़ दें, जस्ट इसकी समरी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एन एस्ट्रोनॉमर व्यू ऑफ द यूनिवर्स नाइन्थ चैप्टर, इसके भी क्वेश्चन आंसर स्किप कर दें, इसकी भी समरी इम्पॉर्टेंट है। 1 to 7, 1 से लेके जो 7 चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपने याद करने हैं, और जिस दिन की मैंने आप लोगों को समरी बताई, समरी सिर्फ आप लोगों ने वही वाली याद करनी है जो मैंने आप लोगों को बताई, कौन कौन सी टेक्स्ट नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 की समरी, चैप्टर नंबर 5 की समरी, चैप्टर नंबर 6 की समरी, चैप्टर नंबर 8 की समरी और चैप्टर नंबर 9 की समरी, ये समरी आप लोग सिर्फ याद करें, बाकी समरी छोड़ दें, और 1 से लेके 7 तक आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स कर लें याद। आप लोगों का समझे प्रॉस वाला जो सब सेक्शन होता है वो आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम पोम्स की तरफ कि कौन कौन सी पोम्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो पोम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट पोम्स जो कि आप लोगों ने जिनकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है, जिनकी आप लोगों ने समरीज भी करनी है और आप लोगों ने उनके क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो पहली वाली हमारी पोम आ जाती है सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट हमारी पोम है, ये पोम नंबर आई थिंक 3 है, बस पोम की बुक नहीं है, मैंने जस्ट लिखी हुई है अपने पास, मैं आप लोगों को बता दूँ। सैमसन एगोनिस्ट आप लोग टिक कर लें, इसकी समरी, इसके स्टैंजास, इसके क्वेश्चन आप लोगों ने याद कर लें। उसके बाद आ जाता है सॉलिटरी रिपर, इसके क्वेश्चन, इसकी समरी और इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आ जाती है म्यूजिक विद सॉफ्ट वॉइस डाई, इसके समरी, इसके क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जाता है हमारे पास से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवे, इसकी समरी, इसके क्वेश्चन, इसके स्टैंजा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूलिसेस, इसके क्वेश्चन, इसकी समरी और इसके एक्सप्लेनेशन। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास द लॉस्ट स्टार, इसके क्वेश्चन, समरी और एक्सप्लेनेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 पोम्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। इस 6 की 6 पोम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, मैंने इन अनसॉल्व्ड पेपर के अंदर ये चेक किया है और चेक करने के बाद फिर आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं आप लोगों को पूरी की पूरी वो जैसे क्या बोलते हैं उसको तहकीकात, पूरी की पूरी तहकीकात करके बता रही हूँ और ये आ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप लोगों ने कर लिया ना ये तो आपका आपके 80% मार्क इंग्लिश के पेपर में पक्के। उसके अलावा ये मैं आप लोगों को यहाँ साइड स्क्रीन पे भी दे दूँ या वहाँ से जाके कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं यही प्रॉस और यही फॉर्म दे दूँगी। उसके बाद हमारे पास बचे हैं ड्रामा, ड्रामा में हमारे पास द प्रिजनर ऑफ जैंडा, इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरीज और जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं आप लोगों ने कौन कौन से याद करने की मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, छोटी सी वीडियो बनाऊँगी उसमें, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रुके नेक्स्ट वीडियो में, अभी जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनके पेपर्स होने वाले हैं, ये वाली मालूम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के 80%